ऋतुराज, ऋतुराज और कैसी रही दिवाली? बहुत बढ़िया। पढ़ाई वढ़ाई की नहीं की? क्यों? अच्छा, दिवाली पढ़ाई नहीं करते? पढ़ाई भी तो जरूरी होती है बेटे। अच्छा, ट्यूटोरियल भाई जिन्होंने नहीं जमा की जल्दी जल्दी सबमिट कर दीजिए, लेट तो ऑलरेडी हो ही गया है। फोर्थ ट्यूटोरियल शीट भी मैंने कल गूगल क्लासरूम में अपलोड की है, इन सेक्शन ऑफ क्लास वर्क। नोटिफिकेशन आया आप सभी के पास? और वीडियोस आप लोग देख नहीं रहे हैं जो अपलोड किए जा रहे हैं? एक बार आपसे बोला था सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कर दिए? तो नोटिफिकेशन आता होगा जैसे ही अपलोड करते होंगे तब भी, और जब आप गूगल क्लासरूम पे उसको शेयर करते हैं तब भी दो बार आता होगा नोटिफिकेशन। पता नहीं, हमने तो हर तरह से कर दिया है, जो भी उसमें एप्लीकेशन होता है सब तरह से कर दिया है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। पढ़ते रहिए। देखिए, मान के चलिए जनवरी में एग्जाम हो जाएगा सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का, ओनली 38 स्टूडेंट्स है ज्वाइन द क्लास। क्या रीजन है भाई? अब तो इतनी दिन की छुट्टी मिल गई, फिर भी फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 5 दिन की छुट्टी मिल गई, उसके बाद भी जो है। अभी भी लोग लग रहा है तो जो है पटाखे लगा रहे हैं, तो चालर लगा रहे हैं। और आकर्ष, पढ़ाई वढ़ाई हुई नहीं छुट्टी में? बेटा छुट्टी में थी तो छुट्टी में पढ़ाई करना चाहिए था। विजिबल है सभी को? देख रहा है? क्लियर दिख रहा है? अच्छा, सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस स्ट्रेटजिक रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, वहां पे हमने उसके पहले क्या उसके एप्लीकेशन हो सकते हैं वो डिस्कस किया था। नाउ कम टू द अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट,
ऑफ स्ट्रेटजिक एडवांटेजेस, जिसमें स्ट्रेटजिक रोल ऑफ फॉर द इंफॉर्मेशन सिस्टम. सो बाय एनालाइजिंग द मेन इंपॉर्टेंट रोल विच इज स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम. फर्स्ट वन इज लोअर कॉस्ट. लोअर कॉस्ट. सो व्हेनेवर यू डेवलप इंफॉर्मेशन सिस्टम इट मस्ट बी स्ट्रेटजिकली बेनिफिशियल. दैट कॉस्ट शुड बी एज पॉसिबल एज लो. सो यूज आईटी टू सब्सटेंशियली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस. व्हेनेवर यू आर गोइंग टू ऑप्ट एनी टूल, एनी आईटी टूल, you must kept in mind that cost should be minimum and justifiable also. ये ना हो कि आपने टूल जो है बहुत कह रहा है कि अच्छा यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, और उसके उस वजह से क्या हो रहा है, आपकी कॉस्ट ज्यादा हो जा रही है. ऐसा ना हो. कॉस्ट शुड बी लोअर. And also use IT to lower the cost of customer and suppliers. ठीक है, कस्टमर और सप्लायर के लिए भी आप कॉस्ट कम से कम रखें, इस तरह का प्रोविजन करें. तो स्ट्रेटजी आपकी इस तरह से होनी चाहिए फॉर एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम. यहां पे हम स्ट्रेटजिक एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं. पूरे चैप्टर में स्ट्रेटजिक एडवांटेजेस की बात कोई किया है? पूरी चैप्टर में स्ट्रेटजिक एडवांटेजेस किस तरह से बेनिफिशियल हो सकते हैं, कौन कौन सी डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती हैं, वही हम लोग ने पढ़ा है और वही यूज किया है, जिससे कि कॉस्ट कम से कम रखी जाए और एडवांटेज जो भी यूजर को देने हैं वो ज्यादा से ज्यादा उसको समझ में आए, ज्यादा से ज्यादा एडवांटेजियस हो. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफरेंशिएट. ये हमने आपको पहले बताया था कि जब भी आप इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करें तो ये दूसरे जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है उससे कुछ अलग लगे, आपको लगे कि हाँ ये कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम इस तरह का है जो समथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन और द अदर सप्लायर्स, अदर डेवलपर. सो डेवलप न्यू आईटी फीचर्स टू डिफरेंशिएट प्रोडक्ट एंड सर्विसेस. प्रोडक्ट भी हो एज वेल एज योर सर्विस डीलिंग विद कस्टमर शुड बी डिफरेंट. आप भी जानते हैं कि जब एक पर्टिकुलर शॉप पे जाते हैं या कहीं भी किसी कंपनी में जाते हैं तो प्रोडक्ट के प्राइस लगभग सेम होते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट उनका बिहेवियर, उनकी सर्विस आपको ज्यादा अच्छी लगती है, इन्वायरमेंट अच्छा है, वर्किंग इन्वायरमेंट इज ऑल्सो गुड, सो यू ऑप दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड दैट पर्टिकुलर ऑफ कंपनी. आप उस पर फेथ दिखाते हैं अपना बिकॉज ऑफ दियर सर्विसेज एंड बिहेवियर एज वेल एज इन्वायरमेंट प्रोवाइडेड बाई देम. यूज आईटी फीचर्स टू रिड्यूस द डिफरेंशिएशन एडवांटेजेस ऑफ कंपटीटर्स ऑल्सो. एंड ऑल्सो यूज आईटी फीचर्स टू फोकस products and services at service selected market reaches. कोशिश ये करनी चाहिए कि जो product है आपके वो market, जहां जहां market आपने बना के रखी हुई है, जहां जहां software development market है, industry है, वहां पे भी कम से कम हो. और focus जो है आपका होना चाहिए ज्यादातर product पे. आप इस तरह से IT feature को use करिए कि focus प्रोडक्ट पे जाए और सर्विस पे जाए. हर्ष अग्रवाल बेटा बहुत दिनों बाद ज्वाइन किया है, क्या प्रॉब्लम है हर्ष, क्या हो गया था? अच्छा, और कोई दिक्कत तो नहीं थी? ऑल थिंग इज बेटर, कोई चिंता वाली बात तो नहीं थी? थर्ड इंपॉर्टेंट रोल है इनोवेट, इनोवेशन.
इनोवेशन का मतलब क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट इंक्लूड आईटी कंपोनेंट्स। हम हमेशा जितना हमारा फोकस है वो आईटी फोकस्ड है। और ये तो जो बात करते हैं हम लोग जनरल प्रोडक्ट की बात करते हैं, वी ओनली डील विद आईटी प्रोडक्ट्स। हमारा जो मेन कंसर्न है एज अवर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमेशा अपने की भी नाम बात बताते हैं, नाम लेते हैं, क्योंकि आपको तो जब सर्विस प्रोवाइड करनी है तो वो डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स हो सकते हैं, लेकिन आप अपने के लिए भी ध्यान रखिए कि आप जब अपने लिए खुद से काम करें, अपने लिए काम करें, तब भी आईटी सेक्टर पे ही फोकस होना चाहिए, सिस्टमाइज होना चाहिए, सिस्टम ओरिएंटेड होना चाहिए। सो ऑलवेज क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विस दैट इंक्लूड आईटी कंपोनेंट्स। आई ऑलरेडी टोल्ड यू सॉफ्टवेयर डजंट मैन्युफैक्चर्ड, सॉफ्टवेयर हमेशा डेवलप होता है। ये जैसे क्लासिकल सेंस होता है रॉ मटेरियल से कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, ये सॉफ्टवेयर में नहीं होता है। ऑलरेडी डेवलप्ड कंपोनेंट्स हैं, मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, इनको कंबाइन करके ही हम अपने लिए प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। तो हमारा जो काम होता है वो डेवलपमेंट का काम होता है, ठीक है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टूल को यूज करके हम नया सॉफ्टवेयर बनाते हैं, नया प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि सॉफ्टवेयर तो हम देते ही देते हैं, यूजर मैनुअल और सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और जो हमने बताया इनोवेट की, तो वेन एवर वी आर गोइंग टू डिलीवर अवर प्रोडक्ट टू द कस्टमर समथिंग न्यू स्ट्रेटजी, न्यू सर्विसेज टाइप्स, न्यू एनवायरमेंट शुड बी डेवलप्ड। कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करिए, उसको ट्रेनिंग दीजिए, मोटिवेट करिए। देखिए ये सब आप दूसरे तरीके से भाई जब मोटिवेट करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके मैन पावर लगेगी वहां पे, लेकिन क्या होगा इससे कस्टमर जो है, जो इससे कस्टमर है वो आपका इन्फ्लुएंस होगा, खुश होगा और पे कर देगा, और आपको जस्टिफिकेशन नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आप कोई भी उसको जो है मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ बता नहीं रहे, सिर्फ आपने प्रोडक्ट डेवलप कर दिया और बोला कि सिर्फ पैसे चार्ज कर दो, तो पैसे तो वो दे देगा, नेक्स्ट टाइम से आपको ना ही कोई ऑर्डर देगा, ना कोई फर्दर सोल्यूशन के लिए आएगा, और आपकी जो मार्केट वैल्यू वो भी खराब हो जाएगी। और इस चीज को आपने प्रैक्टिकली हर जगह जो है फील किया है, ऑब्जर्व किया है, प्रैक्टिकली आपने ऑब्जर्व किया है। हम जब किसी से भी बात करते हैं, किसी को भी करते हैं, कहीं भी आप सर्विस लेते हैं, तो हमेशा पर्सन के बिहेवियर एंड टाइप ऑफ सर्विस, द वे यू प्रोड्यूस द सर्विस टू योर क्लाइंट इज मेन मैटर। सर्विस तो है, बट तो तरीका है बाय विच यू कैन सेटिस्फाई योर कस्टमर, जिससे आप कस्टमर काम हो जाना और सेटिस्फाई करना दोनों अलग अलग चीज है। तो कस्टमर शुड बी सेटिस्फाइड बाय योर सॉल्यूशन। मेक रेडिकल चेंजेस टू बिजनेस प्रोसेस विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वेर एवर दे आर नेसेसरी टू चेंज। आई ऑलरेडी टोल्ड यू डिफरेंट एग्जाम्पल, जब मैंने आपको बताया कि वो कह रहे हैं कि नहीं रेट हमारे इस तरह से आए, रेट में चेंजेस हो, हमने बताया डिस्काउंट वाला कॉलम होता है, किसी को वो कम्युलेटेड डिस्काउंट दे देते हैं, किसी को फिक्स डिस्काउंट देते हैं, किसी को परसेंटेज में डिस्काउंट देते हैं, कुछ को सिर्फ दिखाते हैं रेट बढ़ा करके आएंगे, बाद में उनको डिस्काउंट दिखा दिया जाएगा, इस तरह का प्रोविजन वो कहने को कहते हैं। तो आप जो है उनको जरूर कर दीजिए, वहां पे कोई हेजिटेशन ना हो, है ना, वो कर दीजिए, समझा दीजिए, प्रोस एंड कॉन्स बता दीजिए और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट जरूर कर दीजिए, तो कस्टमर ऑटोमेटिकली इंप्रेस हो जाएगा, भाई आपके पास तो टेक्नोलॉजी है। आल्सो डेवलप यूनिक न्यू मार्केट और मार्केट रिचेस विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑलवेज ट्राई टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज कस्टमाइज्ड, already developed, but still software is developed day to day because their choices are different, working styles are different,
So you are also required to use developed information technology tools and develop customized product. Still customized product are available. You must customize product as per the specific customer. ये हमेशा ध्यान रखिए कि already वो बना हुआ है, लेकिन इसके बाद भी ऐसा करिए कि वो लगे कि ये product हमारे लिए ही develop किया गया, हमारी need को भी ध्यान में रख करके किया गया है. Fourth strategy है promote growth. सत्यम राय बहुत देर में ज्वाइन किया बेटा. प्रमोट ग्रोथ, तो यूज आईटी टू मैनेज रीजनल एंड ग्लोबल बिजनेस एक्सपेंशन. ब्रांचेस आपकी बढ़ेंगी, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में बिजनेस बढ़ेगा, डिफरेंट सेक्टर्स में आप काम करिए, डिफरेंट डोमेन के लिए काम करिए. स्ट्रिक्ट मत करिए कि नहीं हम इन्वेंट्री का ही प्रोजेक्ट बनाएंगे या सिर्फ जो है ट्रांजेक्शन का प्रोजेक्ट बनाएंगे या बैंकिंग सेक्टर में काम करेंगे. ईच एंड एवरी डोमेन में आपके सोल्यूशन होने चाहिए, आपके थ्रू सोल्यूशन प्रोवाइड होने चाहिए, तो मार्केट में भी आपका नाम बढ़ेगा. एंड ऑल्सो यूज आई टी टू डाइवर्सिटी एंड इंटीग्रेट इन टू अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेस. डिफरेंट हार्डवेयर में डील करिए. मैं अगर आप मैकेनिकल की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसा काम करिए कि मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी यूज करते हुए आप नए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उस फील्ड में आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में, इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, वहां पर भी आप काम कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर दीजिए. ठीक है, हर जगह सिविल सेक्टर में आप काम कर सकते हैं. तो जब आप ग्रोथ की बात करते हैं तो एक सेक्टर को रिजर्व मत करिए. ऑल्दो आवर मेन कंसर्न इज टू सॉफ्टवेयर बेस्ड, बट ऑल्सो कोलैबोरेट विद हार्डवेयर एंड अदर मटेरियल टू प्रमोट ग्रोथ फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक, फिफ्थ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी डेवलप अलायंसेस. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्टनर्स. Develop alliances. Use information technology to create virtual organization of business partners. Although companies or organizations, software organization have enough number of resources, personnel, manpowers, but still they take help of other service providers or the software organization. जैसे मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल बताता हूं. माइक्रोसॉफ्ट इज केपेबल टू हायर द पर्सन, आल्सो हायर द पर्सन, बट इट टेक्स हेल्प फ्रॉम अदर सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज. जैसे कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं, वो दूसरी कंपनीज की भी हेल्प लेती हैं. मैंने आपको बताया एक्सेंचर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेंचर के साथ कोलैबोरेशन है. माइक्रोसॉफ्ट खुद हायर नहीं करती है, खुद रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं करती है, वो जो भी एक्सेंचर को उन्होंने टाई अप करके रखा हुआ है, एक्सेंचर पर्सन को हायर करती है, ट्रेन करती है, प्रोजेक्ट के बारे में बताती है और माइक्रोसॉफ्ट को एज ए सर्विस प्रोवाइड करती है, पर्सनल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, उससे फायदा ये रहता है माइक्रोसॉफ्ट का भी कुछ पैसा बचता है. जैसे माइक्रोसॉफ्ट का अपना नेम है, डेफिनेटली वो जब किसी पर्सन को हायर करेंगे तो उनकी सैलरी थोड़ी ज्यादा होगी, बिकॉज उन्हें अपने मार्केट वैल्यू को भी बना के रखना है, अपने नेम को भी बचा के रखना है. एक्सेंचर की वैल्यू थोड़ी इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री थोड़ी सी कम है कंपेरिजन विद माइक्रोसॉफ्ट. वो अपना अमाउंट पे करेंगे, अपने हिसाब से अमाउंट पे करते हैं. ठीक, उनकी सैलरी कम होगी. माइक्रोसॉफ्ट को बेनिफिट रहता है कि वो अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस से बच जाते हैं. अ लॉट ऑफ मनी इज वेस्टेड इनटू रिक्रूटमेंट प्रोसेस. और साथ ही साथ एक्सेंचर को ये फायदा रहता है कि वो अपनी सैलरी तो दे रहे हैं, अपने हिसाब से सैलरी पे आपको जो है हायर करेंगे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट से जब सर्विस दे रहे हैं तो वो सर्विस चार्ज लगा करके पैसे लेते हैं. सपोज करिए कि अगर माइक्रोसॉफ्ट सैलरी अपने एम्प्लॉय को दे रहा है 3 लाख, एक्सेंचर क्या करेगा आपको 1 लाख या 1.5 लाख में
आपको हायर कर लेगा एक्सेंचर, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट को एज ए सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोड्यूस करेगा 2 लाख में, तो माइक्रोसॉफ्ट का 1 लाख का फायदा हुआ, एक्सेंचर को 50,000 का फायदा हुआ पर पर्सन। साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट का बहुत सारा पैसा बच गया रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। तो इस तरह से ऑलवेज डेवलप न्यू अलायंसेस, वर्चुअल पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर, डेवलप इंटर ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम लिंक्ड बाय द वेदर इंटरनेट इंटरनेट और अदर नेटवर्क दैट सपोर्ट स्ट्रेटजिक बिजनेस रिलेशनशिप विथ कस्टमर्स सप्लायर्स सब कॉन्ट्रैक्टर्स एंड अदर्स। मैंने आपको एग्जाम्पल इसीलिए दिया, काम दोनों कर रहे हैं लेकिन जो एक्सेंचर है वो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, वो हायर करती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेंचर की होगी। माइक्रोसॉफ्ट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द टास्क और द जॉब परफॉर्म बाय द पर्सनल जो कि एक्सेंचर के हैं, वो तुरंत मना कर देंगे और एक्सेंचर भी फर्दर को फायर कर देगा। एक्सेंचर इज द कंपनी जो बहुत जल्दी अपनी एम्प्लॉय को फायर करती है, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, अगर सर्विस अच्छी नहीं होगी तो वो पर्सन को नहीं बहुत दिन तक रिटेन कर पाएंगे। इन कंट्रास्ट विद टीसीएस, टीसीएस थोड़ा सा लिबरल है अकॉर्डिंग और द वर्क फॉर दियर एम्प्लॉय, थोड़ी सी लिबरल है बट पैसे भी थोड़े कम पे करती है। एक्सेंचर अच्छे पैसे पे करती है इसलिए सर्विस अच्छी प्रोवाइड करती है, उसकी इसकी उसकी वैल्यू है इसलिए वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट। सो ऑलवेज डेवलप अलायंसेस और द पार्टनर्स। सिक्स इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी, इंप्रूव क्वालिटी एंड इफिशियंसी। ये तो हर जगह हर बिजनेस में नेसेसरी है, पढ़ाई कर रहे हो तब भी, कहीं भी कोई काम कर रहे हो, एकेडमिक में भी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यूज आईटी टू ड्रामेटिकली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेस। यूज आईटी टू मेक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट टू द इफिशियंसी ऑफ द बिजनेस प्रोसेस। आप सभी लोग बात करते हैं कस्टमर केयर में और उसके बाद आफ्टर सॉल्व योर प्रॉब्लम, आफ्टर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम, आफ्टर रिप्लाइंग द योर क्वेरी, देन वहां पे एक बताते हैं एक फीडबैक सिस्टम पे आपको जो है ले जाते हैं, सिस्टम जनरेटेड फीडबैक होता है जिसमें वो कहते हैं 1-5 तक के स्केल में उनको रेट कर दीजिए जिससे कि वो फर्दर इंप्रूवमेंट कर पाए। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब हम जो हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, दो टाइप के सिस्टम मैंने आपको बताए थे, आपने पढ़े भी होंगे, इनिशियली सिस्टम दो टाइप के होते हैं, ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम का मतलब यू शट योर डोर्स एंड विंडोज और अदर प्रीमाइसेस टू एक्सेप्ट द सजेशन, बट फॉर द ओपन सिस्टम यू ऑलवेज योर डोर्स माइंड और अदर चैनल्स टू एक्सेप्ट सजेशंस न्यू आइडियाज टू डेवलप और रिफॉर्म योर बिजनेस। तो हम लोग जो काम करते हैं वो ओपन सिस्टम पे काम करते हैं, कस्टमाइज सिस्टम हम लोग बनाते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कस्टमाइज जो होता है वो हमारा पूरा डेवलपमेंट प्रोसीजर होता है। तो हमेशा कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस शुड बी गोइंग ऑन। ऑल्सो यूज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू सब्सटेंशली शॉर्टन द टाइम नीडेड टू डेवलप प्रोडक्ट एंड डिलीवर प्रोडक्ट एज वेल एज सर्विसेज। टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। I already told you that there is a provision in SDLC, a tool known as Gantt chart or the PERT chart, by which we can capable to monitor the expended time during development. But still there are some risk or the कुछ भी आप कह सकते हैं disasters हैं वो आते रहते हैं जिससे कि timely आप deliver नहीं कर पाते हैं। तो it should be kept in mind. The delivery of the product on time definitely gave you a lot of profit. बहुत सारे जो product आप बनाते हैं और organization को जो loss होता है due to the जो आप
कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं टाइमली डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट। तो इट शुड बी केप्ट इन माइंड कि जब भी आप सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं, एक डेट प्लानर बन जाता है, उस प्लानर के हिसाब से ही आप प्रोडक्ट को फेज वाइज डिलीवर करें। अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे, इसके पहले मैंने पहले ही बताया था इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह से होता है वो फेज वाइज होता है, ज्यादातर हम लोग फेज वाइज को प्रिफर करते हैं। तो फेज वाइज आप डिलीवर करते रहे और टाइमली डिलीवर हो, ये ना हो कि थोड़ा बहुत आपने डिलीवर कर दिया तो आप एकदम से बैठ गए, आप चलिए ठीक कोई काम भी खत्म नहीं है, कुछ नहीं बचा है, आप आराम से करते हैं, देर हो सकती कस्टमर को हमने दे दिया, अपना करता रहेगा। तो टाइमली डिलीवरी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इट आल्सो मेक्स योर रेपुटेशन इन टू द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इंडस्ट्री। सेवेंथ इंपॉर्टेंट जो रोल है, स्ट्रेटजिक रोल है फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिल्ड एन आईटी प्लेटफॉर्म। सो ऑलवेज ट्राई टू मेक आईटी प्लेटफॉर्म फॉर द इंफॉर्मेशन सिस्टम पीपुल, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, फ्रॉम ऑपरेशनल यूजेज इन टू स्ट्रेटजिक एप्लीकेशन, बिल्ड अ स्ट्रेटजिक इंफॉर्मेशन बेस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटा कलेक्शन एंड एनालाइज बाय द आईटी और यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो ऑलवेज बिल्ड एन आईटी प्लेटफॉर्म, ऑल वर्क शुड बी डन विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स, सिस्टमैटिक सिस्टमाइज्ड, नो मैनुअल वर्क, ऑल द वर्क शुड बी डन विद सिस्टमाइज्ड और द कन्वर्सेशन शुड ऑल्सो बी सिस्टमाइज्ड रिकॉर्डेड। यानी कि अगर हमने किसी से कोई बात की, कहा ये फॉर्म बना दो, तो ये भी एक सिस्टमाइज होना चाहिए। आईटी को यूज करिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करिए, एक ईमेल लिख दीजिए, एक प्रॉपर ऑर्डर फॉर्म या रिक्वेस्ट फॉर्म, जिस भी आप बात करना चाहें, और साथ ही साथ रिस्पॉन्ड एक फॉर्म बना लीजिए, उसके साथ अटैचमेंट करके जो आपने टास्क किया वो भेज दीजिए मेल। बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम इसी तरह से होता है, मेल आती है उसमें टास्क लिखा होता है, डिफाइन रहता है, आपका फॉर्मेट बना होता है, आपने पेज प्रिपेयर कर दिया, फॉर्म बना दिया, सेंड कर दिया, उसी को रिप्लाई करके। तो ये वर्बली कुछ नहीं होता है, पेन ड्राइव में नहीं कि आपने दिया और उठाकर दूसरी सिस्टम पे कॉपी कर दिया। मेल के थ्रू कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सेशन टूल हमेशा जो है ये ध्यान रखना चाहिए। बात हम लोग कर रहे हैं एक आईटी फोरम पे बात करिए, वो चैट बॉस के थ्रू बात कर सकते हैं, इंटरनल सर्वर के थ्रू बात कर सकते हैं। बहुत रेयर केस में ही होता है कि हम लोग फिजिकली मीट करें, ठीक है, ये नहीं कि हमने कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ करके सबसे बात की, बहुत रेयर केस में होता है, वो ज्यादातर कस्टमर में होता है। जो इंटरनल मीटिंग होती है, दीज आर द वर्चुअल मीटिंग्स, कॉमनली वर्चुअल मीटिंग। अभी तो हम लोग वर्चुअल जो है स्टडी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कंपनीज ने बहुत पहले इसको प्रैक्टिस में शुरू कर दिया था, वहां वर्चुअल मीटिंग बहुत पहले से हो रही थी। अब तो इस समय हम लोग देख रहे हैं सब कुछ वर्चुअल हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, वहां पे बहुत पहले से सब शुरू हो गया था। एंड ऑल मीटिंग शुड बी इन द इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टूल्स। There are some other strategies I will provide you detailed note. I think I also send this particular note with the previous one. PDF जो मैंने बनाई थी तो वो पेज भी PDF में आ गया था। किसी ने मुझसे पूछा भी था, शायद अबीद ने पूछा था ट्यूट क्लास में, तो मैंने बोला था क्लास में डिस्कस करेंगे। So use inter organization information system to create switching calls that log customer and suppliers. Use investment in IT to build barriers to entry against industry outsiders. इस पे भी ध्यान रखना है कि हम लोगों ने जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बना के रखा है कि मार्केट अगर दृष्टि बना रखी है, तो किसी आउटसाइडर्स को
अपने एरिया में ना आने दे. सप्लायर्स पार्टनर्स आर ऑलवेज वेलकम, बट ये ना हो कि कोई अनऑथराइज पर्सन आपके पास आ जाए. ठीक है, तो एक बैरियर बना के रखना है, एक दीवार बना के रखनी है. यूज आईटी कंपोनेंट टू मेक सब्स्टिट्यूशन ऑफ कंपीटिंग प्रोडक्ट अनअट्रैक्टिव. तो ऐसा कुछ करना है कि जो भी प्रोडक्ट आपको लग रहा है अनअट्रैक्टिव है उसको भी अट्रैक्टिव बना देना. ठीक है, उसको इस तरह से करना है कि कस्टमर अपना इंटरेस्ट अपना फेथ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ध्यान दे. और ये सिर्फ और सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आप कर सकते हैं. बहुत ऐसे काम होते हैं मैनुअल वर्क होते हैं, आप उसको कस्टमाइज्ड सिस्टमाइज्ड कर दीजिए, कंप्यूटराइज्ड कर दीजिए, जिससे कि वो काम कर सके. और उसको वही काम करने में जो पहले बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रहा था, नाउ ही और शी कैन डू दियर वर्क विद जॉय. यूज आईटी टू हेल्प क्रिएट शेयर एंड मैनेज बिजनेस नॉलेज. दिस शुड बी टेक एज ए स्ट्रेटजी टू मोटिवेट ट्रेन द पर्सन एंड वट एवर वेर एवर ही और शी नीडेड हेल्प यू मस्ट प्रोवाइड हेल्प. बहुत जगह आपने देखा होगा MSDL लाइब्रेरी मिलती है, पहले विजुअल बेसिक में MSDL लाइब्रेरी चलती थी. और भी बहुत जगह आपके गाइडिंग टूल्स होते हैं, हेल्पिंग का एक मॉड्यूल जरूर बना होता है. यूजर बहुत ज्यादा बोर हो रहा है वहां पे, एक तो आप जैसे गेम वगैरह का लिंक दे दीजिए. तो अगर लग रहा है कि ऐसी जगह पे है जहां पे फ्रीक्वेंट वर्क नहीं है, थोड़ा सा इंटरवल है, तो वो अपना प्ले भी कर सकता है. कोई भी एक मॉड्यूल बना दीजिए, माइंड स्वैपर या कोई भी गेम का एक लिंक बना दीजिए, डाल दीजिए, वो अपना खेलेगा. चैट सर्वर मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, चैट सर्वर के थ्रू आप अपने इंटरनेट में जो है पर जो आप इम्प्लॉय हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ वो टच में रहेगा. तो दीज आर द अदर स्ट्रेटजीज विच अट्रैक्ट द कस्टमर टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट, टुवर्ड्स योर साइट. तो दिस इज द स्ट्रेटजीज या स्ट्रेटजिक रोल फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम टू मेक योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज गुड अट्रैक्टिव. इसमें किसी को कोई पॉइंट ना समझ में आया तो पूछ सकते हैं. अभी इतना तक श्रीवास्तव, अब समझ में आया वो वाला नोट जो आप पूछ रहे थे वो इस कॉन्टेक्स्ट में है. स्ट्रेटजिक रोल फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम, देखिए ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है. अभी आप फोर्थ सेमेस्टर में ट्रेनिंग करेंगे और फिफ्थ सेमेस्टर में जैसे ही आएंगे इसकी रिपोर्ट जमा करनी होगी. इन सब पॉइंट को बहुत ध्यान से इंप्लीमेंट करना है. जब भी आप नया छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो इन सब पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर होंगे. अभी भी मैं आपके सीनियर से क्वेश्चन पूछता हूँ, तो जिन्होंने अच्छा काम किया, जिन्होंने MIS और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अभी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो दे आर ओनली ऑल एबल टू गिव आंसर, अदरवाइज सब मुंह ताकने लगते हैं. ये सारे इंप्लीमेंटेड पॉइंट. ठीक, रिपोर्ट जब आप राइट करते हैं तो बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिनके थ्रू आप रिपोर्ट लिख सकते हैं, अपनी समर ट्रेनिंग की रिपोर्ट आप लिख सकते हैं. समर ट्रेनिंग की जब रिपोर्ट लिखेंगे तो उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूरी होती है और कॉन्सेप्ट चलते हैं MIS की. किसी भी डोमेन में आप काम करेंगे, डोमेन का मतलब वो फील्ड, पर्टिकुलर फील्ड जिसका आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, ठीक, तो उसकी नॉलेज बहुत जरूरी है. तो जब आप एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाते हैं, मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर जो उनका एरिया होता है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ही होता है. आप कह सकते हैं 80-85% जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वो इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं. और इंफॉर्मेशन सिस्टम में लगभग 90% MIS होते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो, लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो, अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम हो, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो, हॉस्पिटल, होटल, जहां की बात करें सब इंफॉर्मेशन सिस्टम ही होते हैं. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर इज ऑन इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड. नाउ कम टू द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. जब हमने इतनी सब बात कर ली, स्ट्रेटजिक बात कर ली, ठीक, मैनेजेरियल डिसीजन सपोर्ट, प्रोडक्ट एक हमारा बन गया,
तो एक नया कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज TQM, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट nowadays modern development is based on the targeted of TQM, total quality management, यानी जितना भी आपने पैसा इसमें लगाया है वो पूरा आपको, जिसके कहते हैं पैसा वसूल, उसको यूज कर पाए टू अ लार्ज एक्सटेंट. सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. इसी का एक और कॉन्टेक्स्ट है क्वालिटी एश्योरेंस. पहले टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, फिर क्वालिटी एश्योरेंस, हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे. सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ मच मोर स्ट्रेटजिक अप्रोच टू बिजनेस इंप्रूवमेंट. क्वालिटी इज इम्फसाइज फ्रॉम द कस्टमर्स व्यू पॉइंट रादर देन द प्रोड्यूसर. अब ध्यान रखिए, अगर हमने कहा कि ये हम क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये मेरे कहने से नहीं होगा एज अ डेवलपर. दिस शुड बी फ्रॉम कस्टमर एंड. तो जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, वो क्वालिटी कस्टमर हमेशा रेट करता है, कस्टमर के साइड ही होता है. तो क्वालिटी डिफाइंड एज मीटिंग और एक्सीडिंग द रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर्स फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस. ये मतलब ना गुड क्वालिटी बैड क्वालिटी, ये वाला जब जो कोई प्रोडक्ट लेते हैं बहुत जल्दी टूट गया, बहुत अच्छा नहीं था. कस्टमर तो जो भी प्रोडक्ट बनाता है उनकी नजर में तो सारे प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, वो तो कहते हैं हमारी क्वालिटी अच्छी है. बट प्रोडक्ट को जो है क्वालिटी बनाता है वो कस्टमर का व्यू पॉइंट होता है, कस्टमर का ही जजमेंट. और जजमेंट बेस किस पे होता है कि टू अ लार्ज एक्सटेंट या हाउ मच अ लार्ज एक्सटेंट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ योर कस्टमर, देन ओनली इट बिकम अ प्रोडक्ट. मींस यू कैन से दैट क्वालिटी प्रोडक्ट. क्वालिटी प्रोडक्ट में इन्वॉल्व मैनी फीचर्स एंड एट्रीब्यूट्स सच एज परफॉर्मेंस. जब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, मैंने आपको बताया था ये टर्म रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबिलिटी का मतलब जब आप टाइम की बात करते हैं, ड्यूरेशन होता है ना, ड्यूरेबिलिटी ये प्रॉपर्टी है, कितने समय तक वो प्रोडक्ट आपका चला. रिस्पॉन्सिवनेस, या रिस्पॉन्स भी आप कर सकते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है. एंड रेपुटेशन, ये सब कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं और एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर सब एक होते हैं, मतलब इनका मतलब तो अलग अलग है लेकिन ये सब सिनोनिम्स हैं, ठीक है. ये कहां कहां यूज होते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं, एक अलग की बात. जैसे एट्रीब्यूट ज्यादातर डेटाबेस की बात करते हैं, जब डेटाबेस की हम कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो ये डिफाइंड टर्म है, रिजर्व टर्म है फॉर द डेटाबेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है. तो जो ये सब फैक्टर्स है ये बताते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट आपका कितना क्वालिटेटिव प्रोडक्ट, और यही प्रोडक्ट बाद में क्वालिटी एश्योरेंस का जो फैक्टर है अचीव करने में यूज होते हैं. तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मींस द रिटेनमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. यू कैन से दैट इट इज एक्चुअली अ वाइड कंपोनेंट और द वाइड टर्म. You can also judge with the help of TQ better and more appealing, less variable quality of product or service, quicker, less variable response from design and development through supplier and sales channel. Even you can say that greater flexibility in adjusting to customers'
shifting volume and mix requirement. Even also you can say that lower cost through quality improvement, rework, reduction and non-value adding waste elimination. तो ये सब आप जिस तरह से भी चाहे इसको कैटेगराइज कर सकते हैं. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट पे अपना टाइम और मनी स्पेंड किया है, इट शुड गिव यू फुल एश्योरेंस, इट शुड परफॉर्म अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, योर नीड, योर ड्यूरेबिलिटी, योर रिक्वायर्ड ड्यूरेबिलिटी एंड रेपुटेशन. This is the basic key points of the quality product, and quality is made by the customer only. So this is all about total quality management. किसी को कोई भी problem है पूछ सकता है. इस पे short note लिखने को बहुत आता है. Very very important topic है. बहुत पूछा जाता है short note लिखने के लिए. सबको समझ में आया? किसी को कोई भी डाउट है? इस पे बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. आई रोट हियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत पूछा जाता है ये, समझ रहे हैं? और ये क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर पूछते हैं वाइवा में कि आपका प्रोडक्ट कैसे हम कह सकते हैं कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट. हाउ यू कैन से दैट दिस प्रोडक्ट इज quality product. Besides these important terms, we are going to some important topics which is left previous lecture. Neural network. Can anyone tell me about the neural network? न्यूरल नेटवर्क किसी ने पढ़ा है? मैंने छोटे क्वेश्चन में पूछा था ट्यूब शीट 3 में. कोई बताएगा इस शॉर्ट क्वेश्चन में? हाँ, एल्गोरिथम पे बेस होता है. मींस यू कैन से दैट ह्यूमंस ब्रेन, जिस तरह से ह्यूमंस ब्रेन वर्क करता है, आपका जो नेटवर्क है या सिस्टम है शुड वर्क लाइक दैट. सो न्यूरल नेटवर्क्स आर कंप्यूटिंग सिस्टम मॉडल्ड आफ्टर द ब्रेन मेश लाइक नेटवर्क. जैसे मेश टोपोलॉजी होती है बिल्कुल उसी तरह से, या ब्रेन की जो आपकी वेन्स होती है, of interconnected processing elements called neurons. However, like the brain, the interconnected processor in a neural network operate in parallel and intranet dynamically with each other. समझ रहे? तो जिस तरह से जब मेश टोपोलॉजी हमने डिस्कस करी थी, सेम उसी तरह से वो होता है, आपका अरेंजमेंट होता है. डिफरेंट प्रोसेसर एक साथ वर्क करते हैं टू अचीव अ कॉमन गोल. और ज्यादातर जो सोफिस्टिकेटेड टास्क होते हैं वहां पे हम लोग इसी नेटवर्क को यूज करते हैं, इसी नेटवर्क के थ्रू ही प्रोसेस करते हैं. जब आप इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं, मैंने आपको बताया एसडीएलसी को आप फॉलो करते हैं, तो इट वर्क्स आल्सो इन अ सोफिस्टिकेटेड केस, और द सॉफ्टवेयर वर्क्स एज अ न्यूरल नेटवर्क. पैरेलली बहुत सारे वर्क करते हैं, डिफरेंट टीम बनी होती है. ये नहीं होता है टू अ लार्ज एक्सटेंट. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द आउटपुट ऑफ वन स्टेप ऑफ एसडीएलसी वर्क्स एज ए इनपुट फॉर अदर स्टेप, बट स्टिल दे वर्क्स पैरेलली. वेट बहुत समय तक नहीं करते हैं, सिर्फ ऑप्टिमम रिपोर्ट का ही वेट करते हैं, बाकी उनके इंटरनल प्रोसेस चलते रहते हैं. ओके, कैन यू टेल मी अबाउट द एक्सपर्ट सिस्टम? ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने शॉर्ट क्वेश्चन पूछे थे उसमें.
ठीक है। एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है? एक्सपर्ट सिस्टम वो सिस्टम होता है या वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर टाइप सिस्टम होता है जिस हाँ जिसमें कि कस्टमर ये मान के चलता है कि वो सिस्टम उस सिस्टम के थ्रू वो अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। जैसे आप कैलकुलेटर की बात करते हैं तो कैलकुलेटर का जो मॉड्यूल है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैलकुलेशन इट वर्क्स एज अ एक्सपर्ट सिस्टम कि जितने भी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेटर जित भी जो लिमिट आपने उसको दी हुई है डिफाइन की हुई है उस पूरे रेंज में वो कैपेबल है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए। इसलिए मैंने लिमिट की बात की और ये बता दिया जाता है यूजर को। तो लेकिन एक जब कैलकुलेटर की बात करते हैं तो हमको ये पता है कि जो हमारी नीड है डेली टू डेली नीड है या साइंटिफिक कैलकुलेटर की बात करते हैं तो जितने भी हम लोगों ने इक्वेशन या साइंटिफिक कैलकुलेशन करने हैं वो उस कैलकुलेटर के थ्रू हम कर सकते हैं, यानी हम आंख बंद करके उस पर फेथ कर सकते हैं। तो दीज टाइप ऑफ सिस्टम नोन एज एक्सपर्ट सिस्टम। कॉन्स हो सकते हैं, डिसएडवांटेज हो सकती है, लिमिटेशन हो सकती है, वो पहले ही यूजर को बता दी जाती है, अवेयर होता है यूजर। बट जब वो अवेयर होता है और बाउंड्रीज को पता होती है, लिमिटेशन पता होती है, उसके बाद उस बाउंड्रीज के अंदर ही श्योर एंड कॉन्फिडेंट दैट वॉट एवर प्रोसेस इज गोइंग विद दैट पर्टिकुलर एक्सपर्ट सिस्टम प्रोड्यूस एज पर अवर रिक्वायरमेंट्स द रिजल्ट शुड बी एज पर अवर रिक्वायरमेंट्स। एक्सपर्ट सिस्टम इज दैट टाइप ऑफ सिस्टम नोन एज दैट टाइप ऑफ सिस्टम। अटेंडेंस लिख दीजिए आप लोग, यही दो सिस्टम हमने आपसे डिस्कस कर लेते छूट गए थे। नेक्स्ट लेक्चर में फोर्थ यूनिट से हम लोग पढ़ेंगे, थर्ड यूनिट के लगभग टॉपिक सब खत्म हो गए। बताओ बेटा चेक कर लो। हाँ ड्यूरेबिलिटी का मतलब हो गया कि जो भी सॉफ्टवेयर आपने बनाया हुआ है, जो भी आपने सिस्टम बनाया हुआ है, जो भी टूल बना के दिया हुआ है वो कितने टाइम तक इफेक्टिव है। ड्यूरेशन जो प्रोडक्ट आपका है वो ड्यूरेबल है कि नहीं, ऐसा ना हो कि एक टाइम के बाद वो एक्सपायर हो जाए। ड्यूरेशन मतलब टाइम लिमिट। अपडेट दैट इज अनदर थिंग, अपडेट इज अनदर थिंग। ड्यूरेशन का मतलब ये हुआ कि एक समय के बाद क्या होता है, देयर मे बी योर नीड विल बी इंक्रीज, योर रिक्वायरमेंट विल बी इंक्रीज, समझ रहे हैं। उस केस में क्या होगा कि वो सॉफ्टवेयर आपके नीड के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, रेंज से बाहर चला जाएगा, डेटाबेस आपका फुल हो गया, रिपोर्ट आपके मतलब की नहीं आ रही है, मेन टास्क रिपोर्ट जनरेशन होता है, तो उस समय वो इफेक्टिव नहीं होगा, समझ रहे हैं। हाँ तो ड्यूरेशन का मतलब वो पर्टिकुलर टाइम। या आप अगर हार्डवेयर की बात करें, ठीक है, ड्यूरेशन को आप हार्डवेयर से बहुत अच्छा समझ सकते हैं कि हमने कहा एक साल की वारंटी है तो एक साल तक वो कोई आपको दिक्कत ना दे। सेम सॉफ्टवेयर में भी ये रहता है कि भाई सॉफ्टवेयर हमेशा चलता रहेगा, अगर आपका डेटाबेस की कैपेसिटी ज्यादा से ज्यादा है क्योंकि उसमें डेटा आ रहा है, डेटाबेस तभी अगर भाई फुल हो गया तो आपको क्या होगा, रिस्पांस नहीं मिलेगा, डेफिनेटली नेट आपके यूजर्स बढ़ गए सॉफ्टवेयर रिस्पांस नहीं करेगा भाई, अप टू द मार्क नहीं करेगा ना। तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये होता है ड्यूरेशन। किसी के नहीं हुए आपके क्या होंगे, नहीं हुए। क्विज थ्री के मार्क्स अभी पीपल सॉफ्ट पे अपलोड नहीं हुए हैं। हाँ
क्योंकि सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा था, मैं आज करूंगा, आज कॉलेज आया हूँ आज करूंगा।